वेलकम बैक, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि आजकल ब्लॉगिंग वगैरह हो नहीं रही है। तो फिर मम्मी ओके, मिलते हैं, बाय खुशी। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को ब्लॉग देखने को नहीं मिल रहे मेरे चैनल पे। रीज़न ये है कि भाई, जब आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है तो फिर आप पे ना उतना ही लोड भी होता है। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के क्षेत्र में मेरा जो दूसरा चैनल है अभी, उस पर मेरे को बहुत ज़्यादा लोड पड़ जा रहा है। इस वजह से मैं इस पर ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से सुतेड़ा, अपने मामा के यहाँ ननिहाल। और ये मयंक शर्मा, हेलो। चलो भाई, मयंक को आए 2 दिन हो गए हैं। इसको नवोदय से लाया था परसों में। हम लोग पहुंच चुके हैं भाई लोहाघाट, और गर्म, भयंकर वाला गर्म हो रहा है यार, क्या बताऊं मैं अभी, है ना। तभी मैं हूँ मीना बाजार, आगे साइड है गांधी चौक। तो मामा लोग ना ऊपर साइड है, टाउन हॉल है, तो वहां पर ना पटाखे वगैरह की दुकान आजकल वहीं लग रही है, मार्केट वगैरह पे लग नहीं रही है ना, तो वहीं जा रखे हैं मामा। तो एक काम करते हैं यार, चलो हम भी देखते हैं कैसा क्या माहौल हो रखा है दिवाली का। इस बार दिवाली यहाँ मनाने ऐसा तो है नहीं, तो लेकिन फिर भी जाते हैं भाई, देखाते हैं कैसा, और आपको भी दिखाते हैं। दिवाली में ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो नहीं रखी है, वरना तो काफ़ी भीड़ रहती है। इस तब से मयंक ले रहा है पटाखे, ले लिए, इतने अच्छे हैं, 20 रुपये फ्री कर दिए, 10 और इसमें ही कम नहीं आ रहे। अरे बढ़िया। ये तनिष्का बैठ गई है। मयंक आ जा, तू कहाँ गया? मैं पीछे। तू भी इसी के साथ बैठना, ये खाली आ जा, इधर को जा, गोद में बैठ जाएगी। मयंक भी यही, और ये पीछे साइड मामी। ऐसे अभी हम लोग निकलते हैं सुतेड़ा को, मामा तो आ नहीं रहे हैं भाई अब, है ना। तो हम चलते हैं। तो हम अभी पहुंच चुके हैं एक मंदिर में, जय हो शंखपाल बाबा का। हाँ, शंखपाल बाबा का मंदिर, फेमस मंदिर है ये, देखो पुटकी। और ये पानी पीने आ रहे हैं, पानी पियाते हैं, पानी पानी। ओके, तो हमने ले लिया है भोला, और ये भोला क्या कर रहा है, छोटा भोला, एक पकड़ो। हेलो गाइस, देख सकते हैं आप लोग। हेलो। ये मैंकू दा कहाँ पहुंची है ये भी तो बता फिर। ओ गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं चौमेल, चौमेल गांव। गांव तो कहाँ हुआ, केले पूछते हैं, केले पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं तनी? चामेल पहुंच चुके हैं। और चौमेल जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, गांव के बीच से जा रहे हैं, बहुत पतली सड़क थी। और कैसा लगा, तेरे को डर लगी कि नहीं सड़क में जाने में? नहीं लगी ना, देखो फिर। और मैंने भी चलो नया एक्सपीरियंस लेना था, पतले रास्ते से जाना था। देखो अभी बस मेन रोड पे पहुंच जाएंगे ऊपर, और इस तरफ मयंक लोग ले रहे हैं सामान। मैं तो यहाँ बैठा हूँ। ओहो यार, चलो कोई बात नहीं। कितने दूर है घर हमारा? हाँ, बस निकलते हैं फिर यहाँ से, पहुँचेंगे फिर सुतेरा। मम्मी ने साइड नंबर लिया था और हमको याद है, और ये साइड नंबर जल्दी बाजी करती है। लो चलो, ये लो, चलो तनिष्क ने मुझे भी दे दिया है साइड नंबर। अज्जुदा अभी गाड़ी बैक कर रहे हैं, अब हम जाएंगे यहाँ से सुतेड़ा। वाओ, हिमालय दिखा तो तनिष्क का, हिमालय देखो चौमेल से ना, एक तो पहाड़ी वो दिख रही है हिमालय की, और साइड में दिख रही है यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज। काफी साफ है हिमालय आज वैसे। चलो मयंक शर्मा लागे हैं हमारे सबसे प्यारे मामा, कौन हुए, किशन मामा के लिए जलेबी। कैसा, ये हम पहुँचने वाले हैं चांचड़ी, और चांचड़ी पे हमारी गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि देखो इस तरीके से रोड टूट रखी है, जैसे यहाँ पे टूटी है ना, ऐसे आगे को भी टूटी हुई रोड मिलेगी हमें। क्यों मयंक? और सामने साइड यार हिमालय का व्यू देखो यार, वाओ, पता नहीं क्या हमें दिखा पा रहा नहीं दिखा पा रहा। और ये है भाई चांचड़ी गांव, जहाँ पर हमारी आखिरी पार्किंग होगी।
उसके बाद भाई पहुंच जाएंगे हम लोग सुतेड़ा भाई। क्या मजे आते हैं यार वहाँ के ना, अलग सी अलग ही वाइब्स होती हैं सच में। बहुत मजे आने वाले हैं आज हम पार्क के, मतलब गाड़ी को ना कहीं आस पास नहीं करेंगे। आपको सुतेड़ा मिलेंगे। हाँ आपको मिलेंगे सुतेड़ा, ठीक है। ये देखो बच्चों को, ये निक्की और ये गई माही। चलो भाई हमने गाड़ी वाड़ी ना ढक दी है और यहाँ से इस रोड से जा रहे हैं। वैसे ना मामा के वहाँ तक मतलब रोड तो है लेकिन बस टूटी हुई है बीच में ना, इस वजह से हम लोग स्कूटी में जाएंगे। ये देखो जहाँ पे मामा पहुँचे हैं ना अभी, इधर पे रोड तोड़ दी गई यहाँ के लोगों द्वारा। जिनको आपत्ति थी इस रोड से उनकी मन की हो गई और अब गाड़ी आगे नहीं जाती है यहाँ से। क्यों मामू? समय आता है कोई परमानेंट। ओ बच्चों शाबाश। अभी मामा के साथ जा रहे हैं हम लोग, हमारे पास ना बहुत सारा सामान है इसलिए, और यहाँ गाड़ी जाती तो सबका दिक्कत खत्म हो जाती। क्यों? हाँ तो फाइनली पहुँच चुके हैं अभी और यहाँ पर कुछ चाचा लोग खड़े हैं अजिदा अपने कैंपिंग बैग को लेते हुए, और यहाँ पर को पर्स तो तगड़ा लटका है अजिदा ने। और जाने लग गए हैं, बस 100 मीटर भी नहीं है रोड से नीचे और पहुंच जाएंगे हम घर बढ़िया से। लोग ने तो दौड़ लगा दी है भाई, और ये है भाई हमारा घर। ये साफ सफाई रुकिए। हेलो मामू, कहते हैं आपको कृष्ण मामा प्रणाम। चलो आओ मिलते हैं आगे, मिलते हैं। आओ आओ भाई, फाइनली वी आर इन अवर ननिहाल। ये आ गए भाई जन्नत में। ओहो नमस्ते 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 मामू प्रणाम, क्या हो रही है? बाप रे अच्छे मामी प्रणाम। हेलो कृष्ण मामा, बढ़िया। हमारे कृष्ण मामा है भाई, देखो कृष्ण मामा हमारे। ठीक है राखी बढ़िया। सामने साइड सनसेट देखो यार, सनसेट कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है। ये मामा बना रहे हैं माला, माला आज दीपावली लक्ष्मी पूजा के लिए। क्यों बढ़िया, ये देखो भाई ओरिजिनल माला तो यही हुई, ओरिजिनल माला तो यही हुई बढ़िया। ये घर के यहीं के फूल हैं क्या? ये डांस लगे मामू, डांस भी तो मामू। ये देखो ये डांस। पहाड़ में एक कहावत है, जिस घर में बच्चे मिला ही मिला ना, और जिस घर में दून यानी कि गाय वगैरह उस घर में त्यार ही त्यार यानी कि त्योहार ही त्योहार। नीचे साइड को ये सब फिर अलग गांव है और इस तरफ को कोई गांव नहीं, यहाँ से सीधा आपको देखने को मिलेगा हिमालय। देखो भाई पटाखों की दुकान लगा दी है, ये पटाखे सब आप फूटने वाले हैं आज ही थोड़ा। भाई साहब दिया किसने बनाई है? ये दीपावली भी लिखा है इसमें, बाप रे घर ही में बनाई है ना ये। ये देखो भाई बच्चों की कलाकारी देखो यार। अभी चल रहे हम लोग खाना खाने के लिए, पुरानी कुड़ी हमारे उत्तराखंड की पहचान। हाँ यहाँ पर देखो भाई मामी बना रही है एप्पल, और अंदर देखो जहाँ पूजा होगी बढ़िया पूजा तो पुराने मकान में होगी। ये अंदर पूरा सज रखा है, ये लिपाई पुताई हो रखी है भाई। ये देखो हमारा पुराना मंदिर, यहाँ पर लगाई जा रही है मालाएं मामी द्वारा बढ़िया। और यहाँ पर बाप रे अन्नु तू भी बनाती है बढ़िया, अनुष्का ने भी बनाई है। चल शाबाश यार बढ़िया, जय हो जय हो जय हो। अब जो मामी ने एप्पल बना रखा है ना वो बनता है भाई, पेंट वेंट नहीं लगता। देखो ये चावल भिगो रखे हैं और चावल को पीसा गया है सिल से देखो ये, और पीसने के बाद उसका घोल बना करके उस तरीके से एप्पल बनता है। एक टाइम था भाई हम इतने छोटे थे कि इसमें कहां से कहां सर लगता था, अब देखो ये टपक गए जा रहे हैं टपक एकदम। अब तो हाइट इतनी बड़ी हो गई, हम जितने बहुत छोटे थे ना तब आते थे तो भाई इतना झुकते नहीं थे। देखो वक्त वक्त की बात है। बस ठीक से मिली जून।
योगी अजू जानी बात कर।